राइट साइड हटिए प्लीज. संतोष शर्मा कहाँ है? एडमिट है, ऑपरेशन चल रहा है. ऑपरेशन थिएटर आगे. थैंक यू. बस बस चिते बस ठीक हो जाएगी अपनी सब तो. हाँ पुष्पा जी. जय हिंद मैडम सर. जय हिंद. जय हिंद चीता. क्या? हाँ एक मिनट मैडम सर, यही वो नर्स है जो संतू को यहाँ लेकर आई थी. ओके ठीक है. कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें शुरुआत से बताइए हर डिटेल. मैम मुझे तो श्याम जी का कॉल आया था, उन्होंने मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया. श्याम जी प्लीज. एक्सक्यूज मी. हाँ श्याम जी. जी मैडम. हमें शुरुआत से बताइए क्या हुआ, कैसे मिली आपको संतोष शर्मा. मैडम हम सुबह वो 5:30 बजे बहादुर शाह मार्ग पे सैर कर रहे थे तो अचानक हमने इस लड़की को लहूलुहान हालत में बेहोश पड़ा देखा. तो हमने हॉस्पिटल फोन किया, एम्बुलेंस मंगाई और ले आए यहाँ. वहाँ आसपास कोई और था? नहीं मैडम आसपास तो कोई नहीं था और इतनी सुबह वहाँ कोई आता जाता भी नहीं. श्याम जी एक बात बताइए, जो कुछ भी आपने देखा वो देखकर आपको क्या लगता है, एक्सीडेंट ही था या कुछ और हो सकता है? नहीं मुझे तो एक्सीडेंट ही लगा. शुक्रिया आप जा सकते हैं. जी डॉक्टर. संतोष शर्मा. आप पेशेंट के साथ हैं? हाँ. SHO हसीना मलिक कैसी हैं वो? देखिए हॉस्पिटल आने के पहले उनका काफी ब्लड लॉस हो चुका था और सर पर भी काफी चोटें आई हैं. अभी ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, थोड़ी देर में उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया जाएगा. डॉक्टर साहब संतू ठीक तो हो जाएगी ना, तो पर चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर ठीक ठीक है संतू जी. देखिए पेशेंट की हालत काफी नाजुक है, अभी जस्ट उनका ऑपरेशन हुआ है पर आफ्टर इम्पैक्ट भी बहुत जरूरी होता है. सो अभी कुछ कहा जा नहीं सकता जब तक कि पेशेंट होश में नहीं आ जाती. पुष्पा जी प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह से, हम में से कोई भी अभी वीक नहीं पड़ सकता और संतोष शर्मा ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें. ओके प्लीज. करिश्मा सिंह कहाँ है? मैडम सर वो सुबह ही निकल गई अपनी नई जॉब पर. हम कब से उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका फोन भी नहीं लग रहा है. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं. मैडम सर. जय हिंद मैडम सर. सॉरी वो हमारा फोन ना भूल गए थे चार्ज करना. संतोष शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है. कहाँ? हम सब यहीं हैं उनके साथ सिटी हॉस्पिटल में. नहीं 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 वो मतलब ठीक है ना, मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ ना मैडम सर संतू को? अभी कुछ कह नहीं सकते, उन्हें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है और जब तक उन्हें होश नहीं आता कोई कुछ कह नहीं सकता. सो बेसिकली आने वाले 2-3 घंटे बहुत क्रिटिकल है हम सब के लिए. ठीक है मैडम सर, हम पहुंच रहे हैं, बस अभी पहुंच रहे हैं. ठीक है हम आ ही रहे हैं, आप जल्दी आइए. हे भोलेनाथ कहाँ जा रही हैं आप? सर वो अभी आई और अभी चल दी, ये कंपनी ही है ना? नहीं नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको पब्लिक पार्क समझती, अपनी मर्जी से आ गए अपनी मर्जी से चले गए. काम कौन करेगा मैडम, यहाँ पर काम करने की सैलरी मिलती है, टाइम पास करने की नहीं. बाय द वे अब आप हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हैं, आपने ही साइन किया था ना राइट? तो इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पर हमारी मर्जी से आएंगी और हमारी मर्जी से ही जाएंगी. तो चुपचाप बैठिए और अपना काम कीजिए. चलिए करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह ये आप क्या कर रही है? छोड़ी मुझे. बहुत हुआ, एक शब्द और नहीं, अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द और निकला ना तो मैया कसम बता रहे हैं यही ची डालेंगे तुमको. बहुत सुन गया तुम्हारा, समझ गया तुम? दिमाग का दही करके रखा है हमारे. और एक
करिश्मा सिंह कहाँ है संतू? किधर है वो? ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगी ना? मतलब कहाँ है संतू? श्याम, कल्पना। जी मैडम। ये सब क्या है? आईसीयू के सामने इतनी भीड़ क्यों है? कहाँ थे तुम लोग? ऐसे ड्यूटी करते हो? अभी के अभी इस भीड़ को यहाँ से हटाओ। चलिए आप लोग यहाँ से बाहर आइए। आइए प्लीज, आइए यहाँ से। डॉक्टर, अब कैसी है संतोष शर्मा? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उन्हें ऑपरेशन के वक्त एनेस्थीसिया दिया गया था, पर एनेस्थीसिया का असर खत्म होने के बाद भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। मतलब आप खुल के समझाइए ना डॉक्टर साहब, मतलब होश में आ जाएगी ना हमारी संतू? संतोष शर्मा कोमा में जा चुकी है। और वो कब कोमा से बाहर आएगी ये हम नहीं बता सकते। उसमें एक दिन, दो दिन, एक महीना या एक साल भी लग सकता है। प्लीज प्रे फॉर हर। नहीं नहीं नहीं, झूठ है ये। संतू कोमा में जा ही नहीं सकती। वो अभी हम उसको आवाज देंगे ना तो यूं खड़ी हो जाएगी, हाँ पुष्पे करके। संतू, संतू हमारे साथ चलो। हमारा अभी अभी इसी वक्त बदनाम की चाय पीने का मन कर रहा है। चलो दोनों जाके जहर पी के आते हैं। संतू तुम सुन क्यों नहीं रही हो? देखो तुम्हारे पुष्पी तुम्हें आवाज लगा रही है। संतू सही बोल रही है पुष्पा जी। संतू जी थोड़ी कोमा में जाएंगे बिलोटे। देख अभी भी हम जाएंगे संतू जी के पास। एक बार बोल दिए नूफिया मासूमिया, तुरंत निकलेंगे बाहर डांटने के लिए हमको। संतू जी। मैडम सर। संतू जी हम आपके चीता। संतू जी ये लोग बोल रहे हैं कि आप उठेंगी नहीं। अरे संतू जी अभी उठेंगी मिलाटे। उफिया मासूमिया संतू जी उठिए ना। मालूम है आप ही सब ड्रामा कर रही है संतू जी, लेकिन ये ड्रामा का कौन असर नहीं होने वाला है हम पर। संतू जी उठिए ना। चीते, अरे संतू जी ने तेरी बात कभी मानी है कि जो आज मानेंगी? संतू जी उठिए ना। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई विल दिस पार। संतू जी चाय 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 चाय। अब ये रोना धोना बंद करो प्लीज, क्योंकि बदनाम लेकर आया है बदनाम स्पेशल चाय। क्यों इकबाल? तो ये भी इनमें से किसी को बताने की जरूरत है? मैडम सर ये सब छोड़िए, हमारा 888 रुपए बाकी है संतोष जी पे। क्या ने एक बार में 2.5 किलो बिरयानी खाती थी और पैसा उधार लगा के चली जाती थी। सुनो संतू, ऐसे ऐसे थोड़ी जा रहे देंगे उधार दिए बगैर। इनफैक्ट मैडम सर उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी फिक्स कर दिया मैडम सर, और पता नहीं कहाँ किया होगा। आप दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म पहन कर जाएगा। जैसे ही पलट के देखी किसी ने मेरे बाल काट दिए मैडम। हम सब भी इन्हीं की तरह उस सनके आदमी के शिकार है मैडम।
आप दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म पहन कर जाइएगा। मैडम सर केस सॉल्व हो गया है, मैंने पकड़ लिया वो बाल काटने वाले को। जी मैं अभी आप ही के पास आ रही हूँ। मैडम सर आप यहाँ? ये एक्सीडेंट नहीं था। का? हाँ हमें बहुत अच्छे से याद है, हमें सुबह सुबह 5 बजे संतोष शर्मा का फोन आया था। वो बहुत एक्साइटेड थी, कह रही थी कि उन्होंने ये केस सॉल्व कर लिया है, वो अपराधी को बहुत अच्छे से पहचानती है और उसके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत भी है। और फिर अचानक से एक्सीडेंट? नहीं नहीं जी, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये उनके लास्ट फोन कॉल से रिलेटेड है, ये जो कुछ भी हुआ ये उससे रिलेटेड है। एक बात बताइए, उस दिन सिर्फ संतोष शर्मा ने यूनिफॉर्म पहनी थी, आपने नहीं? नहीं नहीं हम नहीं थे, हम नहीं थे। यूनिफॉर्म मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब पावर। ये जो कोई भी आदमी है ये औरतों को अथॉरिटी में, पावर में नहीं देख सकता, उनकी स्ट्रेंथ से उसे नफरत है। इसीलिए उसने जितनी भी लड़कियों के बाल काटे हैं वो सब किसी ना किसी यूनिफॉर्म में थी। यही है ये केस। ये जरूर कोई साइको सनकी टाइप का आदमी है जो औरतों को पावरफुल नहीं देख सकता, अथॉरिटी में नहीं देख सकता, इसीलिए वो जानबूझकर उनके बाल काटता है ताकि वो उन्हें नीचा दिखा सके, उन्हें जलील कर सके, उन्हें ह्यूमिलिएट कर सके। ये करके उसे खुशी मिलती है, वो ये सब कर रहा है अपना मेल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। हमें जाना होगा, आप हैं ना यहाँ? मैडम सर हम इसमें आपके साथ हैं। माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे कि हमने नौकरी छोड़ दिया है। करिश्मा सिंह, नौकरी छोड़ने का फैसला आपका था, हमारा नहीं। हमने अभी तक आपके रेजिग्नेशन पेपर्स हेड ऑफिस नहीं भेजे हैं। आज आपकी ड्यूटी का आखिरी दिन है, आज तो आपको वर्दी पहनना चाहिए था ना? आखिरी दिन है ना संतू, इसलिए नहीं पहना। दोबारा पहन लेते ना तो फिर उतारने का वो हिम्मत नहीं हम जुटा पाते। सुबह सुबह 5 बजे संतोष शर्मा का फोन आया था, वो बहुत एक्साइटेड थी, कह रही थी कि उन्होंने ये केस सॉल्व कर लिया है, वो अपराधी को बहुत अच्छे से पहचानती है और उसके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत भी है। संतोष शर्मा कोमा में जा चुकी है। ये जरूर कोई साइको सनकी टाइप का आदमी है जो औरतों को पावरफुल नहीं देख सकता, अथॉरिटी में नहीं देख सकता, इसीलिए वो जानबूझकर उनके बाल काटता है ताकि वो उन्हें नीचा दिखा सके। वो ये सब कर रहा है अपना मेल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। नौकरी छोड़ने का फैसला आपका था, हमारा नहीं। ठीक बात नहीं है पुष्पा जी, ऐसे कोई करता है का? ये तो पूरा गलत है। देखिए बहुत वक्त है हमारे पास पुष्पा जी, पहले कुछ अच्छा कर लेते हैं, अपना पैर पर खड़ा हो जाते हैं।
अपने आप को उस लायक बना लेते, तब संतु जी के सामने जाकर बोलेंगे, संतु जी हमको ना आपसे शादी करना है, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया पुष्पा जी, सब गड़बड़ हो गया, सब बिखर गया। हमको अब पता चला है ना पुष्पा जी की जो वक्त होता है ना, कभी किसी के पास नहीं होता। ये हमको तब पता रहता ना पुष्पा जी, बोल देते कि संतु जी हमसे बहुत प्यार करते हो, हमको आपसे शादी करना। बड़ा बुरा लग रहा है पुष्पा जी, बड़ा इसे। संतु जी भी कुछ ठीक नहीं करती हैं, उनको का पता नहीं है का कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन और वो क्या चीते, मेरी समझ में नहीं आया चीते, तू क्या बोल रहा है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता है, सब समझ में आता है उनके पुष्पा जी, सब उनको पता है कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो कितना गलत कर रही है ना, वहां जाके से बेड पे लेट गई है, बात बात भी नहीं कर रही है, पता नहीं काका लगाया है, सब सुई हुई लगाया है संतु जी को। पुष्पा जी एक बात ना साफ है, अगर संतु जी को कुछ भी हो गया ना पुष्पा जी, तो चिंता शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारे संतु को। देखो बापा है ना, बापा सब ठीक कर देंगे। अरे हमारे संतु है कितनी भोली, बापा की लाडली है, बापा थोड़ी ना उसके सब कुछ गलत होने देंगे। गणपति बापा जो है ना, उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, क्योंकि सबके विघ्नहर्ते हैं वो, तो संतु के साथ भला ऐसे गलत कैसे होने देंगे बताओ। हाँ बापा पे भरोसा रखो, हमें तो हमारे बापा पे पूरा भरोसा है, तुम भी भरोसा करो, क्योंकि भरोसा है तो संदेह कैसा, और फिर अगर संदेह है तो फिर भरोसा कैसा। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमारी संतु को। हाँ करिश्मा सिंह ऑन ड्यूटी रिपोर्टिंग मैडम सर। वेलकम बैक एसआई करिश्मा सिंह। हम यहाँ एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ तो एविडेंस ढूंढने आए, लेट्स गेट टू वर्क। संतोष का फोन, इसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि इसमें से कुछ मिलेगा, फिर भी एविडेंस के लिए भेज देंगे और देखते हैं और कुछ मिले। मैडम सर, ये किसी गाड़ी के प्लास्टिक का टुकड़ा और इसमें खून का धब्बा। और ढूंढते हैं और भी कुछ मिलेगा। मैडम सर, आप सही थे, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये उसी टोप आदमी का काम है, और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। इसे जल्द से जल्द लैब भेजते, इसमें से कोई एविडेंस, फिंगरप्रिंट, डीएनए, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। करिश्मा सिंह,
करिश्मा सिंह, अरे कहाँ जा रही हैं आप?